मुस्लिम लीग नून का बड़ा इकदाम, हमजा शहबाज की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक जल्द हतमी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और पंजाब असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ मियां हमजा शहबाज पिछले 10 माह से नैब की हिरासत में है। नैब उनके खिलाफ अदालत में रेफरेंस दायर और ना ही उन्हें रिहा कर रहा है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हमजा शहबाज के खिलाफ नैब की जानिब से लगाए गए इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं और अभी तक नैब कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर सका है। पार्टी जराए का कहना है कि दीगर लीगी रहनुमाओं की तरह हमजा शहबाज की गिरफ्तारी भी सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है। जराए का कहना है कि रमजान मुबारक के दौरान ही पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। अरकान असेंबली और कारकुनों को इस हवाले से हिदायत दे दी गई, जिसके मुताबिक अवामी सतह, मीडिया और पंजाब असेंबली में इस मामले को भरपूर तरीके से उठाया जाएगा। नून लीग के रहनुमा मलिक नदीम कामरान ने कहा कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा हुक्मरानों के पास सियासी इंतकाम के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। अब तक लीगी कयादत और हमजा शहबाज पर जितने भी इल्जाम लगाए गए कुछ साबित नहीं हो सका। हमजा शहबाज की रिहाई के लिए मुहिम चलाने के बारे में पार्टी सतह पर मुशावरत का अमल जारी है। उम्मीद है कि जल्द हतमी लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया जाएगा।